Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today it is 15th April 2021 and the day is Thursday. My dear students, today of English comprehension you have to do the revisions. जैसा कि आपको पता है कि हम अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आज आपने चैप्टर नंबर 1, 2 और 4 के वर्ड्स एंड एनाउंस और आंसर क्वेश्चंस की अच्छी तरीके से रिवीजन करनी है. ओके, नाउ इट्स योर टर्न टू डू योर इंग्लिश लैंग्वेज वर्क. व्हाट इज द इंग्लिश लैंग्वेज वर्क टुडे? टुडे यू हैव टू डू द रिवीजन ऑफ यूनिट नंबर 2. यस, यूनिट नंबर 2 मैंने आपको डायरी के डेली के लेक्चर्स में अच्छे तरीके से पढ़ाया है बेटा. It's your turn to do its revision with the help of your mother in the proper way. And don't forget to watch lecture number 6 and 7 of Red and Water book on our Millet official YouTube channel. Yes, beta. Now it's your turn to do your rest of the diary. Achhi achhi apne exams ki tayari kare aur khush rahe. Allah Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we'll discuss our math diary for class 5. Today's diary is revision of unit number 3. Dear students, diary पे correction कर लीजिए. आज आप revision करेंगे unit number 1 की review exercise का question number 1. इसके अलावा exercise 2A का question number 1 और 2 plus exercise 2B. Dear students, आपने इन तमाम exercises और review exercise की बहुत अच्छे से practice करनी है. अल्लाह हाफिज़. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today our science diary is unit 6, question number 1, 2. Students, यहाँ पे question number 3 नहीं लिखा हुआ, आप इस यहाँ पे नोट करेंगे 3 का वर्ड. Question number 1, 2, 3, 10 and 14 revision. Okay students, open the page number 80. Page number 80 पे part B शॉर्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 1, गिव एनी टू एग्जांपल्स ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन. आंसर पेज नंबर 69 पे देखें आप. सेकंड वन, इन लिस्ट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. इसका आंसर पेज नंबर 69 पे देखेंगे. थर्ड वन, राइट डाउन एनी टू डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. इसका आंसर पेज नंबर 70 पे मौजूद है. क्वेश्चन नंबर 10 देखें, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस ऑन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इसका आंसर पेज नंबर 74 पे है. 14th क्वेश्चन, हाउ डज लीवर मेक्स वर्क इजियर. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको नोट करवा दिया गया था, एज इट वैसे ही आपने इसको लर्न करना है. आपने ये पाँच क्वेश्चन के आंसर अच्छे तरीके से लर्न करने हैं. ओके माई डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.